सबसे पहले संविधान में ऐसे चोर दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। तो हमें नीति निर्देशक तत्व में साफ लिखना पड़ेगा कि सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है, अगर सरकार उसका पालन नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसको बेदखल कर सकता है। सड़क के किनारे पे एक मेमना पड़ा हुआ है, वो घायल है और कुत्ते उसको नोचने में लगे हुए हैं, लेकिन उस मेमने के अंदर अभी जान बाकी है और उसने सोच लिया कि बस वो मर ही जाएगा, उसको कोई बचा नहीं सकता, तो चिल्ला भी नहीं रहा है। और जो लोग भी सड़क से गुजर के जा रहे हैं वो सोच रहे हैं कि मेमना मर गया तो कोई उसकी मदद को नहीं आ रहा। आज यही हालत हमारे देश के नागरिकों की है, वो अपनी आवाज़ भी नहीं उठाते, वो चिल्लाते भी नहीं, और सारे नेताओं ने सोच लिया कि इस देश की जनता मर चुकी है और जो हमारी मनमानी आए वो हम मनमानी कर सकते हैं और वो जनता को नोच के खा रहे हैं। तो इसलिए हमारा पहला आंदोलन है जनता के लिए चर्चा आंदोलन, कम से कम हम अपनी आवाज़ तो उठाएं, हम अपनी बात तो करें। उसमें न कोई सरकार लाठी मार सकती, न कोई गोली चला सकती, न हमारी आवाज़ दबा सकती। हम नदी पे, दुकान पर, मकान में, शादी समारोह में, शमशान में, बाज़ार में, चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे, जहाँ भी इकट्ठे हों, जो मुद्दे हमने दिए हैं लोगों के सामने, उन मुद्दों पे कम से कम एक घंटा रोज चर्चा करें, इसका हम जनता से आह्वान करते हैं। मीडिया में भी चर्चा करें, जहाँ भी हो सकती है आप इस मुद्दे के चाहे पक्ष में चर्चा करें चाहे विपक्ष में चर्चा करें, अगर मंथन होगा तो मक्खन निकलेगा ही निकलेगा, हमें विश्वास है। तो हम ये नहीं कह रहे कि वो हमारे ही मुद्दे के पक्ष में बात करें, आप हमारे विपक्ष में भी बात कर सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन कम से कम एक घंटा रोज सभी नागरिक इस मुद्दे पर चर्चा करें। ये चर्चा आंदोलन है जिसको लेकर के हम पूरे देश में जाएंगे, लोग अपने आप तो चर्चा करेंगे ही, उसके अलावा हम पूरे भारत की एक यात्रा भी निकालने वाले हैं जिसमें हम पूरे भारत में घूमेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, संपर्क करेंगे। वो फिर वो है, अभी आपने कहा कि संविधान सबकी रक्षा करता है, क्या कारण है कि पिछले 10 सालों में संविधान की रक्षा करने के लिए लोगों को रोड? इसमें क्या हुआ कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने और दूसरे भी जो संविधान निर्माता थे उन्होंने ये कल्पना भी नहीं की थी कि लोगों का नैतिक स्तर इतना नीचे गिर जाएगा कि लोग दावा करेंगे कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब ये तो उनकी कल्पना के बाहर की बात थी, उन्होंने तो इस बारे में संविधान में लिखा ही नहीं कुछ। इसी तरीके से लोग ये कह देंगे ये तो चुनावी जुमला था, ये भी उनके कल्पना के बाहर की बात थी कि वो अपना वादा तो पूरा नहीं करेंगे, ऊपर से चुनावी जुमला कह देंगे। सरकार एक घोषणा करेगी, दूसरे साल नई घोषणा लेके आ जाएगी बगैर ये देखे हुए कि पहले की घोषणा पालन हुई या नहीं हुई। तो ये उन लोगों की कल्पना से बाहर था और इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो भी अच्छी अच्छी बातें थी उनको नीति निर्देशक तत्व बना के लिख दिया गया कि सरकार इनका पालन करेगी। अब आज देखिए जब कॉमन सिविल कोड की सरकार बात करती है तो कहती है कि नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है, रोजगार की बात कहते हैं तो वो मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये दोगला चरित्र कैसे चलेगा? तो संविधान में जो हम सशक्तिकरण की बात करें, सुधार कह दो, आधुनिकीकरण कह दो, बात एक ही है, कान को कैसे भी घुमा के पकड़ो, उसका मतलब ये है कि सबसे पहले संविधान में ऐसे चोर दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। तो हमें नीति निर्देशक तत्व में साफ लिखना पड़ेगा कि सरकार उसको मानने के लिए बाध्य है, अगर सरकार उसका पालन नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट उसको बेदखल कर सकता है। इसी तरीके से संविधान में कुछ और ऐसी जो छोटी छोटी लोगों के नेताओं को जो रिलैक्सेशन दिए वो रिलैक्सेशन खत्म करने पड़ेंगे, संविधान को सशक्त बनाना पड़ेगा, संविधान इतना सशक्त हो कि खुद अपनी रक्षा करे, जो संविधान का उल्लंघन करे वो सत्ता छोड़ दे। ऐसे में जब लोगों को दो वक्त की रोटियों के लिए लोग देश की 80% आबादी जो जूझ रही है, सरकार दावा कर रही है कि हम 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, ऐसे में लगता है कि लोग अपनी रोजी रोटी छोड़ करके आपके आंदोलन बिल्कुल नहीं आएंगे? बिल्कुल नहीं आएंगे। जो पूंजीवाद है उसके कई हथियार हैं, पूंजीवाद का नारा है कि जो हमसे टकराएगा वो समय कहाँ से लाएगा। तो आम आदमी को इतना बिजी कर दो रोजी रोटी को जुटाने में कि उसके पास समय ही नहीं रहे। इसीलिए हमने इस तरह के आंदोलन को डिजाइन तैयार किया, जैसे गांधी जी ने उस टाइम के हालात में तैयार किया था डिजाइन, हमने आज के हालात को देखते हुए तैयार किया कि आदमी कुछ भी अपना काम करते हुए जहाँ अपने सर्विस पे गया वहाँ भी अपने जो उसका साथ में काम कर रहे हैं करने वाला सहकर्मी है उसके साथ बात कर सकता है, इस मुद्दे पे विरोध में भी बोल सकता है, चर्चाएं करेंगे तो ये धीरे धीरे ये वाइब्रेशन फैलेगा। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि सरकार की जिम्मेदारी है रोटी कपड़ा मकान, बिल्कुल सरकार तीनों जिम्मेदारी से भाग रही है। हाँ वही तो उसमें मैंने जो करेंगे आप तो कैसे दबाव बनाएंगे सरकार पे? दबाव देखिए, एक अन्ना जी ने आंदोलन के टाइम पे बहुत अच्छी बात कही थी कि नाक दबाओगे तो मुंह अपने आप खुलेगा, तो सरकार की नाक को दबाना पड़ेगा। उसके लिए हम आए टैक्स पॉलिसी पर कि सरकार टैक्स तो ले रही है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, बेतहाशा टैक्स ले रही है, तो टैक्स भी लिमिटेड किए जाएं, टैक्स की एक अधिकतम सीमा तय की जाए। आज हमारे घरों में कोई शादी समारोह होता है, कोई फंक्शन करते हैं हम, तो पहले अपना हैसियत देखते हैं, जितना हमारा बजट होता है उसके हिसाब से हम कार्यक्रम बनाते हैं, लेकिन सरकार पहले कार्यक्रम बनाती है फिर उसके हिसाब से लोगों के ऊपर टैक्स थोप देती है, तो इस परंपरा को ठीक करना पड़ेगा। तो जनमत का दबाव ही एक ऐसा दबाव है जिसके आगे की सरकार झुक सकती है, नहीं तो बड़े बड़े आप आंदोलन कर लो, इस देश में अगर
हम ईमानदारी से सारे जेब कतरों का आह्वान करें और सारे जेब कतरे ईमानदारी से हमारे मूवमेंट में आ जाएं तो रामलीला मैदान खचाखच भर जाएगा। तो एक जगह पर पूरे देश की भीड़ को इकट्ठा करके आंदोलन दिखाना, शक्ति प्रदर्शन करना, वो कोई सार्थकता नहीं है। हमें शक्ति को डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, ग्रास रूट तक गांव-गांव तक फैलाना पड़ेगा और हमें शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, शक्ति का संचय करना है, तभी इसके परिणाम आएंगे। और उसके लिए धैर्य से, जातिवाद और पूंजीवाद दो बड़े दुश्मन हैं लोकतंत्र, एक ही चीज़ है। पूंजीवाद थोड़ा सा अलग हो गया, पूंजीवाद कोई भी हो सकता है पूंजीवादी, तो जातिवादी और पूंजीवाद जो वो दो बड़े दुश्मन हैं, कैसे लड़ोगे दोनों? पहले मैं एक्सप्लेन कर दूँ, हम जातिवाद करके उसको थोड़ा और संकीर्ण करें, बेसिकली ये पाखंडवाद है। और पाखंडवाद और पूंजीवाद दोनों का एक ही प्लान है कि लोगों को खुशी खुशी उनका शोषण करवाने के लिए तैयार करना। पूंजीपति इस तरीके से जाल फैलाता है, इस तरह की स्कीम लेके आता है कि आदमी जो है क्रेडिट कार्ड खरीद रहा हैवी इंटरेस्ट दे रहा है फिर भी बड़ा खुश है। इसी तरह से जो उसको बताया जाए कि हमारे को तो इसी जाति का कर्म करना है, हमें दूसरी जाति में शादी नहीं करनी है, इस तरह के तमाम नियम है ना, इस तरह से पूजा पाठ करना है, सब ने अपने अपने कॉपी राइट कर लिए, वो कॉपी राइट करके वो लोगों को लूट रहे हैं। और उन्होंने लोगों को मेंटली प्रिपेयर कर दिया कि ये जो देखो दुख है ना, वो पिछले जन्म के कर्मों का फल है, या जो दुख है वो संसार तो मिथ्या है, क्या तुम इनके झमेले में पड़ते हो दुनियादारी के, तुम तो अपना भजन करो। तो दोनों की एक ही साजिश है, इसलिए हमने जो स्लोगन दिया है, साम्यवाद दम तोड़ चुका है, दम तोड़ रहा है समाजवाद, मानवभक्षी बन बैठा है पाखंडवाद युद्ध पूंजीवाद। सब साथ रहें, सब लोग बढ़ें, गुणवान फलें, शैतान डरें, ऐसे विश्व का सृजन करेगा आस्तिक गतिक साम्यतावाद। अगला कदम क्या होगा? तो अगला कदम हम शुरुआत तो जनसंपर्क से करेंगे छोटी छोटी सघन बस्तियों में, और उसके बाद जल्दी 21 अक्टूबर के आसपास हम एक भारत यात्रा की तैयारी करेंगे, जो सबसे पहले एक महीने के लिए हम उसको दिल्ली में रखेंगे और फिर उसके बाद उसको बाहर ले जाएंगे। आज सरकार को ज्ञापन वगैरह सौंपने जी दिए हुए हैं।